अस्सलाम वालेकुम सामीन, 28 रबीउल सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, 23 नवंबर है, सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उनवान है बीजेपी लीडर जेल पहुंचे, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, हामी मायूसी। मामला मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली का है, जहां शामली के साबिक चेयरमैन और बीजेपी लीडर अरविंद संगल को आज जेल भेज दिया गया है। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने वक्त में चेयरमैन रहते हुए उस वक्त के एग्जीक्यूटिव अफसर ईओ के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज कहे थे, जात पात पर मबनी अल्फाज कहे थे, उनको खौफजदा किया था, डराया था, धमकाया था, बुरा भला कहा था, बदसलूकी की थी। ये इल्ज़ाम उन पर 2016 में लगा था। अरविंद संगल उस वक्त शामली नगर पालिका के चेयरमैन थे, उसी वक्त ये मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अरविंद संगल ने हाई कोर्ट से स्टे दे रखा था, स्टे की 6 माह की मुद्दत पूरी हो गई थी, अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आज गैर जमानती जमानत की दरख्वास्त पर बहस तो हुई लेकिन फैसला नहीं आ सका, तब अदालत ने उनको जेल भेज दिया। फाजिल जज रेशमा चौधरी ने साबिक चेयरमैन अरविंद संगल को अदालती तहवील में भेज दिया, अब वो जेल में है। बता जा रहा है कि जमानत की जो अर्जी है उस पर कल जुमेरात के दिन फिर बहस होगी। मीडिया के नुमाइंदों ने साबिक चेयरमैन से बात करने की कोशिश की लेकिन वो खामोश रहे। उनके वकील बिरमपाल सिंह चौहान ने सहाफी को बताया कि अब ये बहस कल भी होगी। मौके की एक तस्वीर पेश है।